मानना पड़ेगा, हमारे दया बहन की वो जो सुंदर वीरा है ना, बड़े कलाकार हैं। कलाकार इसलिए नहीं क्योंकि कमाल की एक्टिंग करते हैं, कलाकार इसलिए क्योंकि इनमें तो भैया कला का भंडार जो है कूट कूट कर भरा है। यकीन नहीं आ रहा तो जरा देखिए कितने आर्टिस्टिक हैं हमारे वीरा। नमस्कार, मैं हूं मयूर माकानी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सुंदर मामा। लॉकडाउन के दरमियान मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाए, वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दया बहन और जेठालाल की तस्वीर अपने दिल में संजोए, ये कोई और नहीं बल्कि सुंदर है, यानी कि मयूर वकानी, जो दिशा वकानी के रील और रियल भाई हैं। लॉकडाउन में इस भाई को मौका मिला दया और जेठा की पेंटिंग बनाने का। जरा सुंदर को देखिए कितना मन लगाकर वो दया और जेठा की पेंटिंग बना रहा है। दिलीप जोशी सर का ये पोर्ट्रेट है जो जेठालाल का किरदार निभाते हैं, और उनका बर्थडे था तो उनके बर्थडे के दिन उनको गिफ्ट करने के लिए मैंने ये पोर्ट्रेट बनाया था। और ये जो पोर्ट्रेट है माय डियर बहना दिशा का पोर्ट्रेट मैंने बनाया है जो दया का किरदार निभाती है। ब्रदर्स डे के डे पे मैंने उनके लिए ये पोर्ट्रेट बनाया था। ये लेपर का पोर्ट्रेट है जो मुझे बहुत पसंद है, और ये जो है बारबेट है। ये कोरोना के ऊपर मैंने एक पोस्टर भी बनाया था कि अगर लॉकडाउन का सही ढंग से पालन किया गया तो कोरोना को होगा रोना। वैसे लॉकडाउन हुआ तो सुंदर को इस बात का एहसास हुआ कि उसका परिवार भी किसी पेंटर से कम नहीं है। पापा को देखते देखते बच्चे भी पेंटिंग करना सीख गए, और साथ ही पापा के साथ काफी वक्त भी गुजारते हैं। ये लॉकडाउन के दरमियान पेंटिंग बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि मेरे साथ मेरे बच्चे भी जुड़ गए, उन्होंने भी पेंटिंग्स बनाने शुरू कर दिए। मेरे बेटे ने मेरी बेटी ने भी अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाए, और बहुत मज़ा आया पेंटिंग बनाने में लॉकडाउन के दरमियान। सुंदर का आपने ये रूप शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। इन दिनों वो अपनी पत्नी की भी पेंटिंग बना रहे हैं, साथ ही घर के काम काज में हाथ भी बटाते हैं। और जरा देखिए, अब गुजराती परिवार है तो फाफड़ा जिलेबी तो भाई चाहिए सुबह नाश्ते में। लॉकडाउन हम लोगों ने पूरे परिवार ने साथ में बैठ के साथ में हंसते खेलते बिताया है, पर ये लॉकडाउन को हमने अच्छी तरह से जी भी लिया है। ऐसा बहुत समय गया था कि जो करना चाहते थे वो नहीं हो रहा था, पर लॉकडाउन के अंदर बहुत कुछ ऐसा किया जो नहीं कर पाए थे। लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने बढ़िया बढ़िया खाना भी बनाया, हमने फाफड़ा बनाया, जलेबी बनाई, गाठिया बनाया, खांडवी बनाई, और जो मैं वाटर कलर नहीं कर पाया था, पेंटिंग नहीं कर पाया था, वो भी मैंने किया। अब भाई सुंदर की सुंदर दुनिया देखकर हम तो कहेंगे कि बहु सारो छे, आपके साथ यूं वक्त गुजारकर हमें तो भाई बड़ा मजा आया। सुशीला उपाध्याय, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।